आप जब भी कोई पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पाते हो तो उस सिनारियो पे बैंक जो है आपको सेटलमेंट का ऑफर प्रोवाइड करते हैं। ये तो हम सभी को पता है, लेकिन अगर आप वो सेटलमेंट का अमाउंट नहीं भर पाते हो या फिर आपको जो अमाउंट दिया जा रहा है ऑफर सेटलमेंट का वो आप नहीं कर पा रहे हो और आपके पास उतना भी पैसा नहीं है कि आप जो है सेटलमेंट कर पाओ, तो उसके बाद जो है लोन कंपनी या फिर बैंक क्या एक्शन लेता है, मतलब मेरा कहने का मतलब है उसके बाद जो है क्या होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, आप सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू आपका फाइनेंशियल इशू, तो यह वीडियो को जो है मिस मत करिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं इसी के ऊपर पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। दोस्तों आप देख रहे हैं यू नीड टू नो, मैं हूं हसन। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही जो फाइनेंस रिगार्डिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो आता है। आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, जब भी आपको अगर सेटलमेंट दिया जाता है तो आपको जो है मिनिमम अमाउंट जो कि फाइनेंशियल कंपनी की तरफ से होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, मतलब जो बेस्ट ऑफर है वो आपको दिया जाता है। हाँ, वहाँ पे आप जो है नेगोशिएट कर सकते हो, मान के चलिए आपको 1 लाख बोला गया, वहाँ पे नेगोशिएट कर सकते हो कि हाँ मुझे 60,000, 70,000 या फिर 50,000 में आपको करना है। तो अगर आप जिस अमाउंट पे नेगोशिएट कर रहे हैं उस अमाउंट के हिसाब से अगर वो लोन या फिर बैंक मैच करता है या फिर वो अप्रूवल देता है, बैंक के ऊपर का जो भी अधिकारी है वो अप्रूवल देता है, तो आपको जो है जो नेगोशिएटेड अमाउंट पे आपको सेटलमेंट ऑफर मिल जाता है। लेकिन ऐसा काफ़ी बार होता है कि बैंक जो है आपको नेगोशिएट करने के बाद बैंक जो है मिनिमम, सबसे मिनिमम जो है अमाउंट का आपको ऑफर दे रहा है कि अमाउंट के नीचे हम लोग आपको जो है सेटलमेंट नहीं दे सकते, तो वो अमाउंट भी अगर आप पे नहीं कर पाते तो उसके बाद क्या होता है। देखिए दोस्तों, सिंपली उसके बाद ये होता है कि आपके ऊपर जो भी कलेक्शन एजेंसी का जो भी टॉर्चर है वो कंटिन्यू रहता है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कोई भी अनसिक्योर लोन होता है जो कि छोटे अमाउंट का होता है, मतलब लेस देन 5 लाख के नीचे का जो भी होता है, वहाँ पे बैंक कोई भी जो है लीगल एक्शन नहीं लेता है। मेरे देखने में ऐसे ही है, लीगल एक्शन मतलब आपको कोर्ट में लेके जाना, क्योंकि कोर्ट में लेके जाने के लिए भी बैंक के पास दो ही रास्ते होते हैं, आइदर आपको फ्रॉड घोषित करना पड़ेगा और नहीं तो विलफुल डिफॉल्टर। और अगर आप विलफुल डिफॉल्टर या फिर फ्रॉड नहीं किए हो इन दोनों में से, तो बैंक के पास ऐसा कोई भी हथियार नहीं बचता जिससे कि आपको ऊपर कोई केस डाले और आपको कोर्ट में ले जाए। और आपको कोर्ट में ले जाके भी बैंक को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि बैंक का एक ही कंसर्न है उनका पैसा रिकवरी करना, ना को आपको पनिशमेंट देना। बैंक ये जो भी सारा टूल्स इस्तेमाल करते हैं सिर्फ आपके पैसा निकालने के लिए। तो अगर आपका सिनारी ऐसा होता है कि आपको जो भी अमाउंट दिया जा रहा है उस अमाउंट पे आप सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आपके ऊपर कलेक्शन एजेंसी जो भी टॉर्चर करते हैं, आपके घर पे आना, ऑफिस पे आना, फ़ोन करना, वो तो कंटिन्यू रखेगा। और याद रखिए कि जो सेटलमेंट का ऑफर है वो हमेशा जो है खुला रहता है। अगर आपका लोन जो है राइट ऑफ हो चुका है काफ़ी लंबे समय से, अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो ना, तो सेटलमेंट का ऑफर हमेशा खुला रहता है। जितना टाइम जाता है उसके हिसाब से आपका सेटलमेंट अमाउंट भी जो है कम होता रहता है, लेकिन हाँ डेफिनेटली वो बैंक के तरफ से ऑफर दिया जाता है, आप वहाँ पर नेगोशिएट कर सकते हो। अगर कम में हो जाता है तो गुड एंड वेल, क्योंकि सेटलमेंट करने से तो आपका रिकॉर्ड तो खराब हो ही रहा है, तो क्यों ना कम में क्या किया जाए। कम अगर होता है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं दे रहा है तो आपके ऊपर अलग से कुछ एक्शन नहीं होने वाला है। मोटा लोन के लिए जो है यही चलता रहता है, सिर्फ कलेक्शन एजेंसी का कॉल आता है और जो है आपको सेटलमेंट का ऑफर दिया जाता है। आई होप दोस्तों अभी आपको ये समझ आ चुका होगा कि अगर आप सेटलमेंट नहीं कर पाते जो अमाउंट ऑफर दिया जा रहा है बैंक को, तो उसके बाद जो है क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।